जैसा कि हम देख रहे हैं इस अध्याय में, जब पूरे ब्रह्मांड में अंधेरा हो गया, जो सूर्य है और चंद्रमा का प्रकाश क्षीण हो गया, यहां पे बताया गया कंप्लीट डार्कनेस, तो देवताओं को उसका हल चाहिए था, सॉल्यूशन चाहिए था। वो खुद आपस में विचार विमर्श करके इसका कोई सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहे थे। तब सभी देवता लोग ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी को अवगत कराते हैं कि क्या सिचुएशन है, क्या प्रॉब्लम है। और अभी हमने इन श्लोकों में देखा, जब ब्रह्मा जी के पास जाते हैं तो ब्रह्मा जी किस प्रकार और किस ढंग से उनकी समस्याओं को हल को बताते हैं। पहले समस्या का कारण बताते हैं कि ये समस्या आया क्या, हल देने से पहले व्हाट इज द कॉज फॉर दिस। तो ऐसा बताया गया यहां पे, एस देव दितिर गर्भा, तो दिति के गर्भ में ओ जाह काश्यपम अर्पितम, जो कश्यप मुनि का जो श्रीमन था ओजा, ओजा काश्यप अर्पितम, और उसके कारण दिसस तिमेरियन, तिमेरियन मीन्स डार्कनेस सर्वा। सो द कॉज था कि जो कश्यप मुनि का जो श्रीमन था वो दिति के गर्भ में जो से एम्ब्रियो क्रिएट हुआ, बर धते अग्निर अवई धसी। सो एक उदाहरण के तौर पे यहाँ पे बताया गया है, वर धते मीन्स ओवरलोड्स, अग्नि मीन्स फायर, एवा मीन्स एस, ए धसी मीन्स फ्यूल। तो कोई भी ईंधन है तो उसमें फायर हमेशा पूरा विद्यमान होती है। तो जो इम्रो क्रिएट हुआ जो कश्यप मुनि के सीमन से, तो दिति के घर में उसके कारण पूरे ब्रह्मांड में कंप्लीट डार्कनेस थ्रू आउट द यूनिवर्स उससे क्रिएट हुआ। और जैसे कि हमको पता है कि गलत समय में, रॉन्ग टाइम, सीफोस्ट काश्यप मुनि टू एसोसिएट बेहतर ना फादर। हम नाम मैत्री मुनि बता रहे हैं, मैत्री अवाचा सा परिहस्य महाबाहो भगवान शब्द गोचरा। तो भगवान किसको रेफर किया गया है, ब्रह्मा जी को। शब्द गोचरा, शब्द मीन्स वाइब्रेशंस, गोचरा, सो इसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं शब्द गोचरा मीन्स हु इज अंडरस्टूड बाय ट्रांसेंडेंटल साउंड वाइब्रेशन। सो हमारी जो इंद्रियां हैं अपूर्ण होने के कारण सब कुछ हम अपने भौतिक इंद्रियों से नहीं समझ सकते हैं। तो समझने का यहां पे जो तरीका बताया गया, शब्द गोचरा,
by the transcendental sound vibration. प्रभुपाद जी बताते हैं elsewhere in the भागवतम कि जो दिव्य साउंड है, वाइब्रेशंस है, उस शब्द के अंदर पूरा इंफॉर्मेशन रहता है. जैसे ना हम कभी ईमेल के थ्रू जब कुछ डेटा ट्रांसफ़र करते हैं तो कुछ पैकेट्स बन के जाते हैं, तो जो शब्द है, जैसे कि हरे कृष्ण मंत्र में इस वाइब्रेशन के अंदर भगवान का गुण, लीला, नाम सब कुछ उसमें एम्बेडेड है, उसमें उसके अंदर है. तो सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसेंडेंटल साउंड एंड द मटेरियल साउंड. भौतिक ध्वनि और आध्यात्मिक ध्वनि में अंतर है ना. प्रभुपाद जी बताते हैं कि आध्यात्मिक दुनिया में ना उनका साउंड नाम और नामिनों में कोई अंतर नहीं है, जैसे भगवान के. सो दिस नो डिफरेंस. किंतु यहाँ पे डिफरेंस है. वहाँ पे पानी, और पानी में जैसे बोलते हैं हमको प्यास लगी तो पानी बोलेंगे तो प्यास नहीं जाएगी, पर वहाँ पे पानी सब में पानी इंक्लूडेड है. सो बताया गया दस लॉर्ड ब्रह्मा हु इज अंडरस्टूड बाय ट्रांसेंडेंट वाइब्रेशन ट्राई टू सेटिस्फाई द डमी गॉड बीइंग प्लीज विद देयर वर्ड्स ऑफ प्रेयर. सो जैसे कि लास्ट क्लास में हमने देखा था कि ना किसी को भी यदि हमसे कुछ काम है, कुछ पूछना है, तो एक सम एटिकेट है कि उसको जाके थोड़ा सा उसको ग्लोरीफाई करना, उसको थोड़ा ग्लोरीफाई करना. हम डोनर्स के पास जाते हैं ना, तो जब बात करते हैं तो फर्स्ट वी ट्राई टू ना थोड़ा सा सम लेवल ऑफ ग्लोरी इज रिक्वायर्ड. तो उस उनका जब ग्लोरीफाई किया तो वो थोड़ा खुश हो गए, संतुष्ट हो गए ब्रह्मा जी. तो जब ऐसी जब किसी डोनर्स को ग्लोरीफाई करते संतुष्ट होता है, तब वो आगे अपना काम करने के लिए प्रेरित होते हैं. सो एंड ब्रह्मा कुड अंडरस्टैंड द मिसडीड्स ऑफ दिति, देयरफॉर ही स्माइल्ड एट द होल सिचुएशन. ब्रह्मा जी को तो ज्ञात था कि ये रीजन क्या है, और फिर ब्रह्मा जी ने उनको आंसर देना शुरू किया. सो जो आज का जो श्लोक है, ब्रह्मो वाचा मानसा मे सुता युष्मात पूर्वजा. पूर्वजा मीन्स जा मीन्स जन, पूर्व मीन्स पहले, आपके पहले. सुता मीन्स माय सन्स, मानसा मे हमारे मन से जा मीन्स उत्पन्न हुए थे. और वो कौन थे? सनकादय. तो भगवान बता रहे हैं कि आप लोगों से पहले हमारे माइंड से सनकादय ना, सनक, सनातन, सनंदन एंड सनत कुमार, चार दे अपियर्ड, उनका अवतरण हुआ, उन्होंने जन्म लिया. देन वो क्या करते हैं? चेरुर बिहायसा लोकान. बिहाया मीन्स घूमते रहते हैं. पर घूमते ऐसे नहीं टाइम पास के लिए घूम रहे हैं, उनका घूमने का जो पर्पस है दैट इज फॉर टू प्रीच डिवोशनल सर्विस. आउट ऑफ देयर ऑन अकॉर्ड टू प्रीच द डिवोशनल सर्विस दे कीप ट्रेवलिंग. सो हमारा घूमने का यदि कोई पर्पस नहीं होना है, यदि हमारा कहीं हमको जाना पड़े तो हमारा उद्देश्य होना है कि हमको भगवान की भक्ति लोगों को समझानी है.
सो दैट इज द रीजन दे वर ट्रैवलिंग. एंड कहां घूम रहे थे? लोकाल लोकेशु. तो इतने उनमें शक्ति थी कि वो लोकाल लोकेशु, इवन मटीरियल एंड स्पिरिचुअल, भौतिक एंड आध्यात्मिक दुनिया में वो कहीं पे भी जा सकते थे. और उनको जो शक्ति कहाँ से आई, वो जो उनको जो फ्रीडम मिला है, इसको फ्रीडम है ना, कि ही कैन गो, दे कैन गो एनी वेयर, वी कैन नॉट गो. तो वो कहीं पे भी आध्यात्मिक और भौतिक दुनिया में कहीं पे भी जा सकते थे ना. किसी को कुछ ऐसा एक यूनिवर्सल वीसा मिल जाए, वो किसी भी कंट्री में कहीं पे भी चला जाए. आई डोंट नो इस एग्जिस्ट नो द गुड. तो जैसे कि वो कहीं पे, उनको कहीं रोक टोक नहीं है. और वो उन्होंने कैसे अचीव किया? विगत इस पर रहा, बिकॉज दे हैड नो मटीरियल डिजायर. उनके अंदर इंद्र तृप्त करने की कोई इच्छा नहीं थी, उस कारण उनको कंप्लीट फ्रीडम, पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हुई. है ना, हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, दैट इज ओनली फॉर मेकिंग, बट ट्रू फ्रीडम मीन्स विगत इस परा, विदाउट एनी मटीरियल डिजायर. सो वेन वी स्पीक ऑफ डिजायर, यहाँ पे विगत इस परा रेफर टू द मटीरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन. सेंटली पर्सन्स लाइक सनक, सनातना, सनंदना एंड सनत कुमार हैव नो मटीरियल डिजायर, बट समटाइम दे ट्रेवल ऑल ओवर द यूनिवर्स आउट ऑफ देयर ऑन अकॉर्ड टू प्रीच डिवोशनल सर्विस. तो भक्त का एक ही काम है कि भगवान का ग्लोरिफिकेशन करना और भगवान के ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाना. सो भागवत गीता के दूसरे अध्याय में जब अर्जुन ने भगवान से पूछा कि जो भक्ति में होता है उसके लक्षण क्या होते हैं, स्थित प्रज्ञस का भाषा समाधि समाधिस स्थस केशवा स्थित धी किम प्रभासेता किम आसीत ब्रजेत किम. तो चार चीज पूछी गई हैं, का भाषा, किम प्रभासेता, किम आसीता और किम ब्रजेत. तो समझना चाह रहे हैं कि यदि कोई अर्जुन को जब भगवान ने बोला ना लास्ट में बुद्धि योग के बारे में, तो अर्जुन ने पूछा कि क्या होता है जो कोई भक्ति में जो लगा हुआ है, जो कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति है, का भाषा, किम प्रभासेता, किम आसीता और ब्रजेत किम. तो प्रभुपाद जी बताते हैं फोर चीज ने पूछी, एक जर्नल सिम्टम्स जो भक्ति में कैसे पहचानेंगे कोई भक्ति में लगा हुआ है, उसके देख के कैसे पता चलेगा. दूसरा, व्हाट इज हिज, व्हाट इज लैंग्वेज, व्हाट इज स्पीक. तो स्पीक का मतलब है हाउ यू रिस्पॉन्ड टू द सिनारियो ऑफ थ्री मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर, हाउ यू रिस्पॉन्स. देन हाउ डज ही सिट, हाउ इज सिचुएटेड. सिट का मतलब बैठना तो है ही, पर यहाँ पे हाउ इज सिचुएटेड. हाउ इज वॉक, वॉक का मतलब है हाउ इज लीड हिज लाइफ. अपना जीवन को यदि भक्ति में लगा हुआ है तो अपने जीवन को कैसे जीता है. सो वॉकिंग मीन्स हाउ अपने जीवन को जीने का. तो भगवान बताते हैं कि
फादर श्लोक में कि जनरल सिम्टम्स क्या है यदि कोई भक्ति में लगा हुआ है, तो प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्था मनोगतान आत्मन एवात्मना तुष्ठा स्थित प्रज्ञस तदुच्छति। तो इसमें स्थित प्रज्ञस स्थिति एक वर्ड के मल्टीपल तरीके से बताया गया है। सो प्रजहाति यदा कामान, जिसके अंदर भौतिक इच्छा है वो कहाँ से आई, सर्वान पार्था मनोगतान, मन के मटेरियल कंकॉक्शन से जो उसके अंदर भौतिक इच्छाएं, प्रजा हाथी ही गिव्स अप। और संतुष्टि किस मिलती है, आत्मनि एवात्मना तुष्टा। सो ही इज सिचुएटेड इन हिमसेल्फ। सो प्रभुदा जी ट्रांसलेट बोलते हैं, ओ पार्था, व्हेन ए मैन गिव्स अप ऑल वैराइटीज ऑफ डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन विच अराइजेस फ्रॉम मेंटल कंकॉक्शन, व्हेन हिज माइंड दस प्यूरिफाइड फाइंड सेटिस्फैक्शन इन द सेल्फ अलोन, देन ही इज सेट टू बी इन प्योर ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस। तो जो भक्ति में लगा हुआ है उसके अंदर कोई भौतिक इच्छा नहीं रहेगी अपनी इंद्रिय तृप्त करने की, जो कि मनोगतान के द्वारा उत्पन्न हुई है, एंड ही इज हैप्पी इन हिमसेल्फ। तो खुशी हमको कहीं बाहर से नहीं ढूंढनी, बाहर लोग बोलते हैं ना इज इंटरनल। नाउ जो विगत इस पर शब्द यूज किया गया था, सेम शब्द भगवान फर्दर बता रहे हैं, दुखेशु अनुद्विग्न मना सुखेशु विगत इस पर बीत राग भय क्रोधा स्थिति मुनिर उच्चते। सो दुखेशु अनुद्विग्न मना, दुख आएगा हम भक्ति करें तो ऐसा नहीं कि हमको दुख नहीं आएगा, किंतु जो भक्ति में लगा उसके लक्षण है अनुद्विग्न मना, मना मीन्स उसका माइंड, विघ्न मीन्स डिस्टर्बेंस, और अनुद्विग्न मीन्स जो बहुत सारे डिस्टर्बेंस होते हैं माइंड से उससे वो डिस्टर्ब नहीं होता है। सो प्रॉब्लम्स विल कम, समस्याएं आएंगी, दुख आएगा, किंतु जो भक्ति में लगा है लक्षण है उसके, ही वॉन्ट गेट डिस्टर्ब। एंड ऑल्सो सुखेशु विगत इस परा, सो विगत इस परा मीन्स ही इज नॉट, प्रभुपाद जी लिखते रहते हैं, ही इज नॉट एलेटेड, ही इज नॉट बिकम टू हैप्पी। यदि कोई चीज उसको प्राप्त हुई है भौतिक चीज तो उसमें वह बहुत खुश नहीं हो जाता है, अपना संभाव दुख और सुख में। भगवान भागवत गीता में बहुत जगह बताएं दुख और सुख में आपको संभाव रखना है। जब मन शांत होगा तभी हम भक्ति को अच्छे से कर सकते हैं, समझ सकते हैं। बीत राग भय क्रोधा, और राग मीन्स अटैचमेंट, भय मीन्स फियर, क्रोधा मीन्स एंगर। ही इज कंप्लीटली फ्री फ्रॉम राग भय क्रोधा, उसको बोलते हैं स्थिरधि, उसकी बुद्धि स्थित है। हाँ तो बुद्धि स्थित नहीं होती, दुख सुख में और कुछ में हमारा माइंड ना घूमता रहता है। वन हु इज नॉट डिस्टर्ब इन माइंड इवन अमिडस्ट द थ्री फोर मिजरीज और एलेटेड व्हेन देयर इज ए हैप्पीनेस, हु इज फ्री फ्रॉम अटैचमेंट फियर एंड एंगर, इज कॉल्ड ए सेज ऑफ स्टडी माइंड। सो द वर्ल्ड मुनि, प्रभुपाद जी बताते हैं, मुनि का जर्ली जो मतलब होता है जो भक्त ना मनोरथे ना, किंतु जो भक्त होता है वो होता है प्रशांत निःशेष मनोरथे ना, उसका मन किसी दूसरी जगह नहीं भागता है, वो भगवान में लगा रहता है। और
He is called Muni, whose mind is fixed. Such a fully Krishna conscious person is not at all disturbed by onslaught of threefold miseries, and he accepts all miseries as a mercy of the Lord, thinking himself only worthy of more miseries due to his past misdeeds, and he sees that his miseries by the grace of the Lord are minimized to the lowest. तो भक्त कभी अपने जीवन में जो दुख आता है वो समझता है कि हमको तो दुख बहुत मिलना था, हमने जो जो कर्म किए हैं पास्ट में, किंतु भगवान ने हमारे दुख को बहुत कम कर दिया है, कम नहीं बहुत कम कर दिया है. एंड एक्चुअली इस रियलिटी भी है, इट्स नॉट ओनली थिंकिंग. यदि हमको एक साथ पूरा हमारा अकाउंट मिल जाएगा तो वी कैन नॉट लिव. सिमिलरली व्हेन ही इज हैप्पी ही गिव्स क्रेडिट टू द लॉर्ड, थिंकिंग हिमसेल्फ अनवर्दी ऑफ द हैप्पीनेस. ही रियलाइजेस दैट इट इज ड्यू ओनली टू द लॉर्ड्स ग्रेस दैट ही इज इन सच ए कंफर्टेबल कंडीशन एंड एबल टू रेंडर बेटर सर्विस टू द लॉर्ड. यदि हम कुछ सेवा कर पा रहे हैं तो भगवान की कृपा है. सो ऑलवेज हमेशा वो एक हम्बल मूड में, विनम्र मूड में रहता है, और दैट्स रियलिटी कि भगवान की कृपा से ही भगवान की हम सेवा कर पाते हैं. और हर परिस्थिति में फॉर सर्विस टू लॉर्ड ही इज ऑलवेज ड्यूरिंग एंड एक्टिव, इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय अटैचमेंट एंड एवर्सन. ना तो हमको लगाव होना ना घृणा होना, इच्छा द्वेष समत्थे ना, क्योंकि दोनों ना घृणा भी एक नेगेटिव अटैचमेंट है. आई डू नॉट लाइक दिस और आई लाइक दिस, इधर इज अ प्रॉब्लम. अटैचमेंट मीन्स एक्सेप्टिंग थिंग्स फॉर वंस ऑन सेंस ग्रेटिफिकेशन. सो वी गेट अटैच सर्टेन सिनेरियो, कुछ चीज़ों से जहाँ पे हमारी इंद्रिया तृप्ति होती है. और डिटैचमेंट इज एब्सेंस ऑफ सच सेंशुअल अटैचमेंट. बट वन फिक्स इन भक्ति हैज नीदर अटैचमेंट नॉर डिटैचमेंट बिकॉज हिज लाइफ इज डेडिकेटेड इन सर्विस ऑफ द लॉर्ड. एवरीथिंग ही टेक्स इज अ मर्सी. कॉन्सिक्वेंटली ही इज नॉट एट ऑल एंग्री इवन व्हेन हिज अटेम्प्ट्स आर अनसक्सेसफुल. हमको गुस्सा क्यों आता है? जब हमारा मन की चीज नहीं होती है, जो हम चाहते नहीं होती है, बिकम एंग्री. पर भक्त होता है कभी गुस्सा नहीं होता है, क्योंकि उसके कोई प्रयास असफल भी हुए तो वो भी उसमें असफलता में भी भगवान का हाथ देखता है कि भगवान हमको इससे सिखाने की कोशिश कर रहे हैं. सक्सेस और नो सक्सेस, ए कृष्णा कॉन्शियसनेस पर्सन इज ऑलवेज स्टडी इन हिज डिटर्मिनेशन. सो इफ समबडी इज लाइक दिस देन एक्चुअली ही इज ट्रूली सिचुएटेड इन डिवोशनल सर्विस. एंड फादर इट इज सेड इन द थर्ड चैप्टर ऑफ भगवद गीता वेयर अगेन विगत शब्द कम्स एंड मई सर्वाणि कर्माणि सन्यस्य अध्यात्म चेतसा निरासीर निर्ममो भूत्वा विगत ज्वरः. ज्वरा मीन्स फीवर. विगत ज्वरः मीन्स विदाउट बींग लेथर्जेटिक. प्रभुपाद जी ट्रांसलेट करते हैं विगत ज्वरः. युद्धशा अर्जुन को भगवान बोले, और इस श्लोक को प्रभुपाद जी ट्रांसलेशन बोलते हैं, लिखते हैं कि दिस इज श्लोक, दिस वर्स क्लियरली इंडिकेट द पर्पज ऑफ भगवद्गीता. सो दिस श्लोक प्रभुपाद जी बोलते दिस पर्पज ऑफ भगवद्गीता, दिस श्लोक इंडिकेट, जहाँ पे बताया गया है मई सर्वाणि कर्माणि सन्यस्या. तो हमारे जो भी कर्म हैं
पूर्ण रूप से सर्वाणि मीन्स ऑल सर्वाणि कर्माणि मई हमको भगवान बोल रहे सन्यास्या ऑल द वर्क शुड बी सरेंडर टू कृष्णा मीन्स इट शुड बी फॉर कृष्णा। और अध्यात्म चेतसा हमारी चेतना वो अध्यात्म होनी है। अध्यात्म का मतलब है वी शुड हैव कंप्लीट नॉलेज अबाउट कृष्णा। भगवान के बारे में ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और निराशीर निर्ममो भूत्वा, निराशीर को प्रभुपाद जी ट्रांसलेट करते हैं विदाउट डिजायर फॉर प्रॉफिट। हम कोई भी काम करते हैं हमको लगता है हमारा फायदा क्या है, व्हाट आई विल गेट। सो वन शुड बी सिचुएटेड निराशीर और निर्ममा मीन्स विदाउट ऑनरशिप। एंड उस वे में भगवान बोल रहे हैं युद्धस्व बिगत जुरा प्लीज फाइट। देयर फॉर अर्जुना सरेंडर ऑल योर वर्क अनटू मी विथ फुल नॉलेज ऑफ मी विदाउट डिजायर्स फॉर प्रॉफिट विथ नो क्लेम टू प्रोप्राइटरशिप एंड फ्री फ्रॉम लेथर्जी फाइट। तो हमारे जो भी कर्म हैं, जो काम हैं, जो एक्शंस हैं, भगवान को समर्पित होने का मतलब है भगवान के आदेश अनुसार, भगवान की इच्छा के अनुसार हम अपने कर्मों को करना। प्रभुपाद जी बहुत अच्छा परपट लिखते हैं, विल जस्ट रीड फ्यू। दिस वर्स क्लियरली इंडिकेट्स द पर्पस ऑफ भगवद गीता। The Lord instructs that one has to become fully Krishna conscious to discharge duty. So, without becoming Krishna conscious, we cannot discharge our perfect duties. Prabhupada is writing, the Lord instructs that one has to become fully Krishna conscious to discharge duty as if in military discipline. सो मिलिट्री डिसिप्लिन में हमको अपनी ड्यूटीज एग्जीक्यूट करना विथ ना प्रभा जी बोलते लाइक ए वॉच वर्क। सिमिलरली हमारी जो ड्यूटीज हैं इट हैज बी कंप्लीटली डिसिप्लिन। सच एन इंजंक्शंस मे मेक थिंग्स ए लिटिल डिफिकल्ट, नेवरथलेस ड्यूटीज मस्ट बी कैरीड आउट विथ डिपेंडेंस ऑन कृष्णा। So sometimes things may not be very favorable, but still we have to execute our duty with complete Krishna consciousness. So nevertheless duties must be carried out with dependence on Krishna, because that is the constitutional position of living entity. The living entity cannot be happy independent of the cooperation of Supreme Lord, because eternal constitutional position of living entity to become subordinate to the desire of the Lord. यदि हम अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छा से अलाइन कर देते हैं, one of the item for surrender, then only we can be happy. Otherwise, we cannot be happy. Arjuna was therefore ordered by Sri Krishna to fight as if the Lord were his military commander. So, Bhagwan or jo Guru hai, they are like a military commander, or they have given the order, and just we have to execute. Even though we may understand, we may not understand. So we have to be rightly situated. One has to sacrifice everything for the good will of Supreme Lord and at the same time discharge prescribed duties without claiming proprietorship. So sacrifice ka matlab kya hota hai ki jo bhi kaam hum Bhagwan ki khushi ke liye karte hain usko bolte hain sacrifice.
एनी वर्क, उसको यज्ञ बोलते हैं। और यज्ञ का मतलब है यज्ञ शुड बी फॉर प्लेजर ऑफ कृष्णा। तो यदि हम कोई भी काम भगवान की खुशी के लिए कर रहे हैं वो यज्ञ है। नौ कलयुग में संकीर्तन यज्ञ इज रिकमेंडेड। बाय डूइंग संकीर्तना कृष्ण बिकम वेरी हैप्पी जॉयफुल। प्रभुपाद जी बोलते हैं हम संकीर्तन करते हैं चैतन्य महाप्रभु पर्सनली कम्स एंड डांस विद द डिवोटीज। सो हमको ना ऑनरशिप प्रोपराइटरशिप जो है वो बहुत इनबिल्ट है, उससे हमको बाहर निकलना है। अर्जुन डिड नॉट हैव टू कंसीडर द ऑर्डर ऑफ द लॉर्ड, ही हैड ओनली टू एग्जीक्यूट हिज ऑर्डर। द सुप्रीम लॉर्ड इज अ सोल ऑफ ऑल सोल, देयरफॉर वन हु डिपेंड्स सोलली एंड होली ऑन द सुप्रीम लॉर्ड विदाउट पर्सनल कंसीडरेशन और इन अदर वर्स वन हु इज फुली कृष्ण कॉन्शियस इज कॉल्ड अध्यात्म। अध्यात्म चेतसा का मतलब है प्रभुपाद जी बता रहे हैं सोलली एंड होली ही डिपेंड्स ऑन सुप्रीम लॉर्ड, सो दैट्स कॉल्ड अध्यात्म चेतसा। हम बोलते हैं ना हमारी चेतना सही चेतना से जब भगवान की सेवा करते हैं तो कृष्ण बिकम प्लीज्ड। सो सही चेतना का मतलब है कंप्लीट डिपेंडेंसी ऑन द लॉर्ड। कंप्लीट का मतलब होता है पूर्ण रूप से आश्रित होना। नो अदर फर्दर प्लान एंड निराशीस मीन्स वन हैज टू एक्ट ऑन द ऑर्डर ऑफ मास्टर बट शुड नॉट एक्सपेक्ट फ्यूचर रिजल्ट। रोज बहुत अच्छे एग्जाम्पल बताते हैं जो हमेशा हम लोग को पता है। द कैशियर में काउंट मिलियंस ऑफ डॉलर्स फॉर हिज एम्प्लॉयर बट ही डज नॉट क्लेम ए सेंट फॉर हिमसेल्फ। सिमिलरली वन हैज टू रियलाइज दैट नथिंग इन द वर्ल्ड belongs to any individual person but that everything belongs to the supreme lord, that is a real purpose of my or unto me. So we must know nothing belongs to us, everything belongs to Krishna, and if we engage everything service of Krishna we get benefited. So जर्नली वैन वी से क्या भगवान की सेवा करने से सबकी सेवा हो जाती है। सो समझ नाश में कैसे प्रभु जी हम भगवान की आरती कर रहे हैं, हाउ एवरी वन इज गेटिंग बेनिफिटेड। सो प्रभुपाद जी एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं हाउ टू जस्ट सर्विंग द लॉर्ड एवरी सोल इन दिस यूनिवर्स विल गेट बेनिफिटेड सम ऑफ अदर बाई इफ यू आर चांटिंग हरे कृष्णा you are helping, you are doing good for everyone. तो प्रभुपाद जी बोलते हैं यदि इस हाथ से हम खाना खिलाएंगे, मुँह में खाना डालेंगे, पेट में खाना जाएगा तो इस हाथ को शक्ति मिलेगा, साथ में this hand also get nourished, leg also get nourished, head also get nourished. So if this hand is serving the stomach, whole body, every part of the body get nourished. हम जड़ में पानी डालेंगे तो हर पत्ते हर फूल हर फल नरिश होगा। So when we serve Krishna, then everyone will get benefited. ना कई लोग बोलते हैं भगवान की आरती भगवान का अभिषेक करने से क्या बहुत लोग गरीब हैं, उसका भी बेनिफिट हो रहा है। How is happen? Our naked eyes cannot see. So by serving Krishna, every soul get benefited. And further we read where how is situated, then I will bind up. So in this material world, one who is unaffected by whatever good or evil he may obtain, neither praising it nor Dispraising it,
इट फर्मली फिक्स इन परफेक्ट नॉलेज. परफेक्ट नॉलेज का मतलब है विजन सिचुएटेड परफेक्ट नॉलेज. ही इज नॉट डिस्टर्ब बाय इवन गुड और इवन व्हाट ही अचीव. दैट्स कॉल्ड परफेक्ट नॉलेज. नॉलेज नॉट सम थ्योरेटिकल कोई हमने को कुछ ज्ञान मिल गया. ज्ञान का मतलब है हम दुख और सुख में हर परिस्थिति में संभाव कैसे रख सकते हैं. एंड और हाउ ही सिट्स, इसमें एग्जांपल जो कछुए का बताते हैं कि हाउ इज सिचुएटेड. अपने इंद्रियों को उतना ही यूज़ करते हैं जितना ज़रूरी है. अदरवाइज ना लाइक ए टॉर्टोइस टेक्स ऑफ हिज लिम्स विथ इन द सेल. व्हेनेवर रिक्वायर्ड एनी डेंजर कम्स ही टेक्स आउट. तो सो वन हु इज एबल टू विदड्रॉ हिज सेंसेस फ्रॉम सेंस ऑब्जेक्ट एज अ टॉर्टोइस ड्रॉज इट्स लिम्स विथ इन द सेल इज फर्मली फिक्स इन परफेक्ट नॉलेज इन कृष्णा कॉन्शियसनेस. तो जो ज्ञान है जितना भी यूज़ होता है अपने इंद्रियों को यूज़ करता है और कहीं जब खतरा होता है तो उसको वापस ले लेते. सो इफ वन डज सो ही इज सिचुएटेड इन द परफेक्ट नॉलेज. तो इसमें हम फर्दर देखेंगे कि जब चार तो जब ब्रह्मा जी के पास जब वो सॉल्यूशन बताए तो ब्रह्मा जी डायरेक्टली सॉल्यूशन नहीं बताते. ब्रह्मा जी उनको कृष्ण कथा सुनाना शुरू करते हैं. तो कोई प्रॉब्लम लेके आए पहले उसको कृष्ण कथा सुनाइए. कृष्ण कथा सुनते सुनते उसका प्रॉब्लम अपने आप दूर हो जाएगा. तो या तो दैट्स द सॉल्यूशन. अब हम कई जगह देखेंगे कोई प्रॉब्लम लेके आता है कहीं पे ब्रह्मा जी के पास. इवन जब अजामला में जब यमदूत कन्फ्यूज़ हो गए कौन मास्टर है तो यमराज के पास जाते हैं. तो जब यमराज को जब वो पूछते हैं प्रॉब्लम की, हमको लगता था एक प्रभु है पर यहाँ पे तो बहुत सारे प्रभु दिखते हैं. तो ये कैसा है. तो यमराज बहुत खुश हो जाते हैं बिकॉज ही से कि अभी हमको कृष्ण कथा सुनाने का अपॉर्चुनिटी मिला है. तो यहाँ पे ब्रह्मा जी इज स्माइलिंग कि नाउ यू गॉट ए अपॉर्चुनिटी टू स्पीक ग्लोरीफाई कृष्णा. तो सबका सॉल्यूशन तो भगवान का कृष्ण कथा ही है. मत चित्ता सर्व दुर्गाणी मत प्रसादातर. भगवान की कथा ही सबका सॉल्यूशन है. भगवान का ग्लोरीफिकेशन और अदरवाइज जितने भी सॉल्यूशन है वो पैच अप वर्क है. सो व्हेन वी ग्लोरीफाई कृष्णा व्हेन वी डिस्कस अबाउट कृष्णाज पास टाइम दैट इज अ रियल सॉल्यूशन ऑफ द ऑल द प्रॉब्लम. सो यहाँ पे हम ब्रह्मा जी देखेंगे कि कैसे वो प्रॉब्लम लेके आए थे. उन्होंने डायरेक्टली नहीं बताया पर रीजन तो ये है पर उसका देन स्टार्ट ग्लोरीफाइंग डिस्क्रिप्शन ऑफ वैकुंठ का पूरा वर्णन शुरू कर देते. और सो बाय हियरिंग दोज दे वर वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड. सो आत्मा का जो सेटिस्फैक्शन है वो भगवान का नाम गुण लीला के बारे में सुनेगा वही सेटिस्फाई होगा और तभी उसकी सभी प्रॉब्लम का समाधान होगा. सो आई विल स्टॉप हियर. ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय. जगत गुरु शुभ पाद के जय. नितायगो प्रेम नंदे हरि हरि गो.